इसकी टिकट प्राइस बताऊं तो आप लोग साढ़े शौक हो जाएंगे, बिकॉज पहले तो मुझे भी आइडिया नहीं था। कज़न ने करवाई थी टिकट और मैं सीधा गया, हमने देखी लास्ट में, उसने बताई प्राइस, मैंने बोला हाँ। हेलो गाइज, इट्स मुसामा शेख एंड वेलकम टू माई अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मैं अच्छे खासे टाइम के बाद कराची में व्लॉग अपना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बैठा हुआ था अपने कुछ काम में, मैंने सोचा कि सारे बैठे हुए कुछ सीख लें, बट किस्मत को मंजूर कहा कि हम कुछ सीखे। तो आई देख मेरा कज़न आया हुआ है गांव से, जो मैंने व्लॉग में देखा हुआ था हल्का फुल्का था यार, मेरे तकरीबन साढ़े कज़न आए हुए व्लॉग में। खैर एनीवेज इस बात को करें लीव, तो हमारा सीन कुछ ऐसा है कि न्यू फिल्म आई है कल, इंग्लिश फिल्म में, नाम मुझे उसने बताया था फास्ट हैक्स, जो आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम इंग्लिश मूवी को ही देखूंगा थिएटर में जाके। तो उसके साथ सीन बना हुआ, अभी मैं फटाफट से होऊंगा फ्रेश और ये कपड़े वगैरह अपने सब कुछ इस्त्री कर लिए, दाढ़ी वाड़ी मशीन लगा ली, फटाफट चिकना होकर रेडी होने वाला हूँ अभी। तो बस सीधा वो मिलेगा ओशन मॉल पे, मैं भी फर्स्ट ऑफ ऑल होऊंगा रेडी और उसके बाद मैं भी सीधा जाऊंगा ओशन पे और वहाँ पे सबसे पहले करवाएंगे टिकट, जो मुझे लग रहा है आसानी से टिकट मिल जाएगी, बिकॉज इंग्लिश फिल्म में इतनी ज़्यादा तो मतलब रश नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल फटाफट से होते हैं रेडी और सीधा चलते हैं ओशन पे और वहाँ पे आपका वहाँ का सीन दिखाते हैं। तो वाइज फुल रेडी बट हमेशा की तरह आज भी और ये लेट, तो ज़्यादा बात नहीं करते, फटाफट से चलते हैं ओशन वहीं पे मिलते हैं। हाँ वाइज फाइनली मॉल पे पहुँच चुके हैं, हाँ वाइज मॉल में एंटर हो चुके हैं, बट अब जो कज़न कॉल नहीं उठा रहा वो ले रहा है बदला। वो पहले पहुँच गया था, वो मुझे कह रहा ना कॉल है तो मैं पिक नहीं कर रहा था, वो कॉल नहीं उठा रहा और मैं उसको ढूंढने में लगा हूँ पता नहीं कहाँ पे, फटाफट से को ढूंढते और 15 मिनटों में फिल्म भी स्टार्ट होने वाली है। अदरवाइज फाइनली कज़न मिल चुका। नहीं कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, वो साइलेंट पे था, ये दूसरी मोबाइल में लगा हुआ था टिकटॉक पे, मैं उसको कह रहा हूँ कॉल है, वो उसकी मोबाइल पड़ी थी जेब में और यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है तो शायद इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी। और ये हमारी दो टिकटें हो चुकी हैं बिल्कुल टाइम 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 अभी 4 होने वाला 3:50 हो। तो गाइस थोड़ी देर हम कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे फिल्म देखने, और 3D फिल्म है और शो में लाइव फर्स्ट टाइम देखूंगा 3D, सो ये भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मैं कोल्ड ड्रिंक भी लेता हूँ, सामने मशीन भी पड़ी हुई है, सो निकाल लेते हैं। और अभी बस कुछ ही देर में फिल्म स्टार्ट होने वाली है, प्रोमो स्टार्ट हो चुका है। Don't talk to me, man. Don't talk to me. Right. You know what? The disrespect. They bought us a few minutes before these cameras reset, and they find out this place turned into a sleep study. भाई साहब गाइस फिल्म देख के आ गए और रियली ऑसम, मतलब क्या बोलूँ, लव्स दिन ये जबरदस्त एक्सपीरियंस। अदरवाइज एवरीथिंग डन और अभी जो है हम लोग सीन बनाएंगे कुछ खाने पीने का, कुछ यहाँ पे खाया या फिर वापस चलेंगे सीधा फ्लैट पे और रास्ते वगैरह में कुछ खा लेंगे। ओवरऑल यार एक्सपीरियंस था लिटरली ऑसम और अभी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है तो इस वजह से सीधा चलते हैं घर की। और मुझे एक बात पता लगी है कि मतलब मैंने अभी जस्ट टिकट की प्राइस देखी, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा है, तो आपसे ज़्यादा मतलब डीप में डिस्कस करेंगे वहीं पे, और मतलब लिटरली आप गैस नहीं कर सकते इतनी प्राइस है। चलते हैं आपसे वहीं पर मुलाकात करते हैं, या कुछ खाते हैं तो आपको दिखाते हैं।
हेलो गाइस, अभी कर रहे हैं एग्जिट। अच्छे खासे टाइम के बाद विजिट करने वाला था मॉल, और जो मतलब एक्सपीरियंस था लिटरली ऑसम। हेलो गाइस, अभी फाइनली हम लोगों ने कर लिए एग्जिट, और वे गया हुआ था दोपहर के टाइम, और अभी वापसी के टाइम। होए होए, मौसम चेक करें यार, लिटरली मतलब है ओएमजी, सारी थकान खत्म हो गई। और उसके अलावा फिल्म भी ऐसी खतरनाक, मतलब ज़बरदस्त फिल्म थी, 3D सीन्स थे, मतलब आउट क्लास। और उसी के साथ ये मौसम, मतलब ये वाला व्यू मुझे पता है कौन सा लग रहा था, GTA 5 में नहीं होता, हम गेम खेलते हैं पैर और ये इसका। ओए होए होए, इस मॉल से वापसी करने के बाद आया हुआ था गेस्ट हाउस पे, बिकॉज उमेर यहाँ पे रह रहा था 3-4 दिनों से, और इसका बैग यहीं पे था, और मेरी बाइक खड़ी है उधर ही मॉल पे। तो हम पहले जाएंगे मॉल पे, वहाँ से लेंगे बाइक, फिर सीधा चलेंगे किसी होटल पे, करेंगे डिनर। हेलो गाइस, अभी पहुँच चुका हूँ घर पे, और मैं वहाँ पे मतलब लिटरली अपने जो एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था पब्लिक के सामने, लिटरली मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था मतलब 3D मूवी का, मतलब क्या ही बात होगी। और इसकी टिकट प्राइस बताऊँ मतलब आप लोग सारे शौक हो जाएंगे, बिकॉज पहले तो मुझे भी आइडिया नहीं था। कज़न ने करवाई थी टिकट, और मैं सीधा गया, हमने देखी लास्ट में, उसने बताई प्राइस, मैंने बोला हाँ। तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ सवटगढ़ में, ये देखें टिकट की प्राइस, आई थिंक आप लोगों को सही दिख रही होगी, 1200 USD पर टिकट। और अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे PKR में तो बनेंगे 3,30,000, मतलब एक टिकट 3,30,000, दो टिकट 6,60,000। आपको जोक लग रहा होगा, बका टिकट आपके सामने की मैं जूम करके दिखा दूं, ये देखें $1,200, और ये आज की टिकट है डेट टाइम, नो वर्ड्स। पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फ्रंट सीट थी, अभी 3.5 लाख में भी ये ना हो तो फिर क्या होगा। चले एनीवेज, आज का ब्लॉग बहुत ही बेहतरीन रहा मेरे लिए, न्यू चीज़ ट्राई करी इंशाल्लाह। मैंने सोचा हुआ है कि एक मोहटा प्लेस है, कराची वाले बंदों को पता होगा आई थिंक सो, और मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना हुआ है। मैंने अभी आज जस्ट गूगल में सर्च करा कि विजिटिंग प्लेसेस, कराची टॉप पे आ रहा था, मैंने सोचा इसको अभी जो एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द इसका सीन बनाऊंगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे करने लगा हूं, एंड आई होप कि लोग आपका अच्छा लगा, अच्छा लाइक कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।